और अब हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न सिन्हा जी आ गए हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी से सांसद है हमारे बीच में समर्थन करने के लिए आए हैं स्वाति जी का। शत्रुघ्न सिन्हा जी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है। सामाजिक मुद्दों पे हमेशा चाहे वो पार्टी से बगावत क्यों ना करना पड़े लेकिन वो अपनी बात रखते हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शाम स्वाति जी के प्रार्थना, इनकी कामना, इनकी मनोकामना, इनका ध्येय, इनकी शक्ति आवाम के प्रति और हमारे घर की बेटियों के प्रति जो इनकी भक्ति है उसके प्रति मैं स्वाति जी को जो खुद हमारे घर की बेटी हैं, बहन हैं, उनको दिल से दुआ देता हुआ आप तमाम समर्थकों को, प्रशंसकों को और हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने जो साथ दिया है, सहयोग दिया है और यहाँ इस घर की आवाज़ को, दिल्ली की आवाज़ को या पूरे देश की बेटियों की चित्कार को, पुकार को, जो उनके साथ बर्बरतापूर्ण जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, उसकी पुकार को देश और विदेश में पहुंचाया है। मैं और देश और विदेश में इंसाफ की मांग उठाई है उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं यही कहने आया हूं अपनी प्रार्थना के जरिए, अपना साथ, अपना सहयोग, अपने आशीर्वचन के जरिए यही कहने आया हूँ कि इस दुख की घड़ी में, इस वेदना की घड़ी में, इस जुल्म, जोर, जाति और नाइंसाफी की इस घड़ी में अपनी बेटियों के प्रति, अपनी महिलाओं के प्रति जो जागरूकता आई है और जिस जागरूकता और इंसाफ की हम मांग कर रहे हैं उसके प्रति मैं भी आपके साथ पूर्णतः तैयार हूँ, तत्पर हूँ, साथ हूँ और साथ रहूँगा। किसी पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। मैं एक देश के सजग, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, एक बेटी के बाप होने के नाते मैं आपका साथ देने आया हूँ और आपका साथ मांगने आया हूँ। स्वाति जी ने जो किया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। मैं बहुत ही दिल से दुआ देता हूँ और इनके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कामयाब हों और इनकी कामयाबी में हमारी महिलाओं की सुरक्षा है, इन्हीं की कामयाबी में हमारे घर की बेटियों और बहनों की सुरक्षा है। और मैं चाहूँगा कि ये क्रम टूटने न पाए, हम इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ें। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ साथ
देश को आगे बढ़ाओ और गौरवान्वित करो, इसी कामना शुभकामना मनोकामना और प्रार्थना के साथ आज मैं स्वाति जी को शुभ आशीर्वाद देता हूं और आज के साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़कर यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं कहना चाहता हूं कि बिहारी बाबू या शत्रुघ्न सिन्हा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आप सब आगे बढ़ो और मैं आपके साथ हूं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मैं चूंकि ये कोई भाषण की घड़ी नहीं है, आप लोगों ने कहा मुझे अब ये एक्शन की घड़ी है, ये भाषण की घड़ी नहीं है, और मैं हमारे देश के बहुत ही मशहूर, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लोकप्रिय हमारे छोटे भाई अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, वो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ कि ऐसे केसेस में, ऐसे इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई इसमें जाति नहीं है, कोई जात नहीं है, इस तरह का जघन्य अपराध है और ऐसे जघन्य अपराध के लिए मैं केजरीवाल जी से पूर्णतः सहमत हूँ और उनके बयान को समर्थन देता हूँ कि ऐसे जघन्य कांड में और ख़ासकर बच्चियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो तो फिर इसका टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइम बाउंड इसका जस्टिस डिलीवरी होनी चाहिए, इसका इंसाफ टाइम बाउंड होना चाहिए और ऐसे केसेस में मौत की सजा हो, सख्त से सख्त डिटरेंट पनिशमेंट हो और 6 महीने के अंदर हो सजा, इस बात के हम कायल हैं। मैं इस मंच से आज उनकी सराहना भी करता हूं और उनका समर्थन भी देता हूं। आज इनके उनके समर्थन में और स्वाति जी के समर्थन में मैं समझता हूं कि आप तमाम लोगों का समर्थन है, आप तमाम लोगों का समर्थन है, तो अपनी ज़ोरदार तालियों से बजाइए कि अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो बातें हो रही हैं हम उनके कायल हैं और उसके समर्थन में हैं, यही हमारी आवाज़। चूँकि आज मामला अब कोर्ट तक पहुँच गया है इसलिए और इससे विशेष ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अपील कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सबको सद्बुद्धि आए, सिविल सोसाइटी में वो जागरूकता आए, महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भावना और बेटियों के प्रति वो असीम अनुकंपा और असीम प्यार और उसके अंदर उनका बढ़ाना पढ़ाना आगे बढ़ाना उनके स्वाभिमान के साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, लेकिन उसके पहले उनके भरपूर सुरक्षा का ख्याल हो और जो लोग सुरक्षा की कड़ी को तोड़ते हैं उनको वही सजा हो जो कि केजरीवाल साहब ने कहा है, केजरीवाल भाई ने कहा है कि यानी 6 महीने के अंदर में उनका बिल्कुल सजाए मौत और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं यही बात आपसे कहना, धन्यवाद। जय हिंद की सेना को मैं जय हिंद कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं तो अभी यही कह सकता हूँ, खामोश।